हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो भी छात्र एमजेपीआरयू रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से हैं, उनके लिए हम बीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए जियोलॉजी का फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर, तीनों आने वाले जो क्वेश्चन है 10 जनवरी को, 10 जनवरी में जो आने वाले क्वेश्चन है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। और जिसके भी एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, मतलब कि देखो 10 एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 5 क्वेश्चन करने होंगे, और वो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब कि हमारे ऐप को डाउनलोड करके आप 20 नंबर ला सकते हैं। मतलब 5 नंबर, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, 20 नंबर आपको मिलेंगे। याद रखना 20 नंबर वहां से पक्के होने वाले हैं। एप्लीकेशन हमारा बिल्कुल फ्री में है, आपको कोई पैसा नहीं देना है। एमसीक्यू क्वेश्चनों को वहां से पढ़ लेना, और वहां से आपको 20 नंबर क्लियर होने वाले हैं। तो हम यहां से हम आपसे वादा करते हैं कि 90% प्लस बनेगा, क्योंकि आज का जो पेपर हुआ था, 8 तारीख है आज, और आज बीएससी थर्ड ईयर वालों का केमिस्ट्री जियोलॉजी बॉटनी का पेपर हुआ। केमिस्ट्री का तो पूरा 100 के 100% फंसा है। मैंने पेपर डाला है, अपलोड किया है, देख लो पेपर पहले लीक वाला, इस पेपर देख सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को याद करके आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है सभी को, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सभी लोग शेयर करेंगे। तो देखो क्वेश्चन पहले पे टिक लगाएंगे, आपको फर्स्ट पेपर में क्या देखना है, जियोलॉजी के फर्स्ट पेपर को ओपन कर लेना है। एमजेपीआरयू रोहिलखंड यूनिवर्सिटी वाले, बरेली वाले जितने भी छात्र बेटा, स्टार्टिंग कर लो, बहुत जरूरी है। 20 नंबर हमारे एप्लीकेशन से मिल जाएंगे, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके देख लो। देखो ये क्वेश्चन है, संघ यूरोकार्डेटा के समान लक्षण, उनके वर्गीकरण के बारे में। तो देखो यूरोकार्डेटा है, उसके समान लक्षण को याद करेंगे। यूरोकार्डेटा के समान लक्षण मोस्ट इंपोर्टेंट है। यूरोकार्डेटा, देखो दो संघ आपको बताऊंगा, एक तो यूरोकार्डेटा होगा और एक हेमिकार्डेटा, इन दो में से एक संघ पूछा जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। और हार्डमानिया की भाष रचना देख लेना, ठीक है, और हार्डमानिया के टैडपोल लार्वा के बारे में देख लेना। टैडपोल लार्वा है उसके बारे में देख लेंगे, बस इतना देखना है यहाँ, टैडपोल लार्वा और भाषा रचना उसकी, और हार्ड और हेमिकार्डेटा देख लिया, उसके समान लक्षण के बारे में, ठीक है। उसके बाद में एम्फियोक्सिस जो एनिमल होता है, एम्फियोक्सिस, ठीक है, ब्रैकनिस्टोमा से बोला जाता है, इसका व्हील ऑर्गन और ऑरल हुड ये पूछ लेता है। ऑरल हुड सबसे ज्यादा पूछता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके पाचन तंत्र के बारे में देख लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में टिक लगाएंगे, सरीसृप के समान लक्षण उनके वर्गीकरण के बारे में, सरीसृप के समान लक्षण कैसे हैं उनके वर्गीकरण के बारे में, ठीक है, ये देखेंगे। और नीचे जाएंगे हम, देखो विषैले और विषहीन सर्पों में अंतर आपसे पूछ लेगा, विषैले सांप और विषहीन सर्प क्या होते हैं। और एक क्वेश्चन और देख लेना, जिसे कहते हैं जो विषैले दांत होते हैं उनके विष दंत, मतलब कि जो दांत हैं उपकरण, उसके दंत हैं, उन यंत्र के बारे में, कैसे दांत फैलते हैं, वो चीज, ठीक है, विष वाले दांत। और उसके बाद में नीचे चले जाएंगे हम, सब कुछ छोड़ देंगे हम, नीचे छोड़ेंगे, और ये वाला क्वेश्चन याद करेंगे कि स्तनधारियों के दंत संरचना के बारे में और दंत विन्यास का वर्णन करो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को याद करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को याद करके जाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि जो आपको इंप्रूवमेंट पे होने वाला है, 90% प्लस वहां से देखने को मिलेगा, आप टॉप करोगे, समझ लो टॉप करने वाले हो कल के, मतलब 10 तारीख के पेपर में, याद रखना। चलो देखो उसके बाद में ये सब कुछ छोड़ देंगे, और उसके बाद में एक ये क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसका नाम है पादप विहीन उभयचर टिप्पणी, पादप विहीन उभयचर किसे कहते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको तैयार कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में देखो मैं बहुत कुछ छुड़वा रहा हूं आपको, बहुत कुछ, ठीक है, इतना आपको इसमें याद करना है पहले पेपर में। सेकंड पेपर में देखो क्या क्या याद करना है, सेकंड पेपर में पहुंच जाओ, सेकंड पेपर में हमें देखो ये वाला क्वेश्चन देखना, ऊपर वाला केवल, ठीक है, ओरिएंटल पेरिमंडल किसे कहते हैं, ओरिएंटल पेरिमंडल और जाति की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई थी, जाति की उत्पत्ति कैसे हुई थी, वो देखेंगे एक्सप्लेन के द्वारा, ठीक है, जीवन की और जाति की उत्पत्ति मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, इसको पढ़ेंगे। और उसके बाद में नीचे जाने के बाद देखो प्राणियों के भौगोलिक वितरण के बारे में याद कर लेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्राणी का भौगोलिक वितरण, इस क्वेश्चन को याद करो, टिक लगा लो अपने बुक नोट्स पे, गैस पेपर पर, जिससे भी आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में नीचे जाएंगे और देखो डार्विनवाद की आलोचना, नव डार्विनवाद और देखो लैमार्कवाद, डार्विनवाद, इन दो में से एक जरूर आएगा, तो इन दोनों को अच्छे तरीके से, डार्विनवाद, नव लैमार्क, देखो लैमार्कवाद, नव लैमार्क, डार्विनवाद और डार्विनवाद की आलोचना है, इन आलोचनाओं को अच्छे तरीके से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्विनवाद और लैमार्कवाद, इन दोनों को जरूर देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान से देख लेना, इसकी आलोचना और नव लैमार्कवाद और नव डार्विनवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो जैव विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत, जैव विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। और युग्मजन किसे कहते हैं, युग्मजन मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखो युग्मक जनन जिसे कहते हैं, युग्मजन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अंडाणु जनन, एक होता है संक्राणु जनन, शुक्राणु जनन, दोनों को देख लेना है, ठीक है। हाँ उसके बाद में नीचे जाएंगे, नीचे होता है जरा जरायुज का निर्माण आ सकता है, फॉर्मेशन ऑफ जरा जिसे कहते हैं, तो जरायुज का निर्माण पढ़ लेना एक बार। जीवाश्म का निर्माण मोस्ट इंपोर्टेंट है, जीवाश्म का मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना, जीवाश्म का निर्माण कैसे होता है, जीवन की उत्पत्ति मैंने ऊपर बताई थी आपको, जाति की उत्पत्ति, जीवन की उत्पत्ति, निश्चेषण, देखो निश्चेषण के बारे में पढ़ेंगे बेटा, निश्चेषण फर्टिलाइजेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये मोस्ट पिटिक लगाना। एक कल के पुनर्वर्ती सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। और देखो उपाधि लक्षणों की वंशागति, उपाधि लक्षणों की वंशागति ये पढ़ लेंगे, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बस यहाँ कुछ नहीं पढ़ना है। और लास्ट में बस ये देखना है कि मेढक का टैडपोल लार्वा का कालांतर, ये देख पढ़ लेना है। और
जीन म्यूटेशन क्या होता है, जीन म्यूटेशन पढ़ लेंगे, शॉर्ट में पूछेगा, और अंडे के प्रकार हो सके तो पढ़ लेना, वरना छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे पहुंच जाओ थर्ड पेपर में बेटा। थर्ड पेपर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखो थर्ड पेपर 2022 में जो आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है 10 जनवरी को, क्या क्या पढ़ने वाले हो देखो ध्यान से। थर्ड पेपर में पाचन, देखो भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है हमारे उसमें, हमारे पेट में, मतलब हमारे किस प्रकार से पाचन होता है, डाइजेशन, फूड पे मूवमेंट के बारे में देखेंगे, और उसके बाद में पीयूष ग्रंथि को देखेंगे। पीयूष ग्रंथि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, पिट्यूटरी जिसे ग्लैंड कहते हैं इसको देखेंगे, और देखो स्तनधारियों के श्वसन प्रक्रिया के वास्ते में, स्तनधारियों के श्वसन प्रक्रिया के बारे में देखेंगे, रुधिर क्या होता है, स्कंदन, और रुधिर स्कंदन किसे कहते हैं ये देखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मूत्र का निर्माण कैसे होता है इसको पढ़ लेना। पीयूष ग्रंथि में ऊपर बता चुका हूँ, पीयूष ग्रंथि जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है। मानसिक चक्र जो होता है महिलाओं में होता है 28 दिन के अंदर, वो आप देख लेना है। उसके बाद में नीचे जाएंगे थायराइड ग्रंथि पढ़ लेना, थायराइड ग्रंथि के बारे में, और नीचे जाएंगे एंजाइम क्या होता है, एंजाइम स्वभाव प्रणाली के बारे में देख लेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, रासायनिक संगठन, उनके आणविक संरचना के बारे में, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स का वर्गीकरण बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इन दोनों क्वेश्चन को पढ़ के जाएंगे। विटामिन के बारे में पढ़ के जाएंगे, विटामिन क्या होता है, ठीक है, और लास्ट में पेसमेकर पढ़ेंगे, पेसमेकर मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेसमेकर के बारे में। अंतःस्रावी और बाहस्रावी ग्रंथि जो होती है, अंतःस्रावी बाहस्रावी ग्रंथि इसको पढ़ लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा मोस्ट। और देखो पेशी पेशी श्रांत को छोड़ो, उसके बाद प्रतिवर्ती क्रिया को पढ़ लेना। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, प्रतिवर्ती क्रिया और प्रिंक्याज जिसे लैंगरहांस की धुपिका अग्नाशय कहते हैं, प्रिंक्याज को लैंगरहांस की धुपिका इसको याद करेंगे, और कोएंजाइम को याद करेंगे, कोएंजाइम मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे हिंदी में सह संबंध भी, सह एंजाइम भी बोलते हैं कोएंजाइम को, आपातकाल हार्मोन पढ़ेंगे। बट अब लास्ट में वही कहूंगा कि आपातकाल हार्मोन पढ़ेंगे। तो ये था 2022 में आने वाले क्वेश्चन, 2022 के जो अभी इंप्रूवमेंट हो रहा है 10 जनवरी को एमजेपी आर्य रोहतक यूनिवर्सिटी का, उनमें आने वाले क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना, और पेपर जैसा ही हो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस नंबर पर अपने पेपर को भेज देना, और फिर देखाते हैं हम आपको कितने क्वेश्चन फंसे हैं, ठीक है बेटा। और देखो ये सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, कुछ बाहर से नहीं आएगा, ठीक है, हो सके तो ऑक्सीजन का परिवहन और पढ़ लेना, ठीक है, बस इतने देने को, और से ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है बेटा। देखो एमसीक्यू जो क्वेश्चन है ना, उनके आने वाले जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, उनके एप्लीकेशन का, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, डाउनलोड कर लो, सबसे ऊपर है बेटा। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय दोस्तों।